अयोध्या में निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन का रेलवे अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस दौरान मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर संजीव मित्तल, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर सीपी गुप्ता और डीआरएम एस के सापरा ने रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। अयोध्या पहुंचे डीआरएम एस के सापरा ने कहा कि प्रथम फेज का काम लगभग पूरा हो चुका है। मेंटेनेंस के काम और वॉशिंग लाइन फैजाबाद में शिफ्ट की गई है। वहीं अब प्रथम चरण में अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर 3 प्लेटफॉर्म ही बनेंगे। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन के मार्ग के चौड़ीकरण को देखते हुए अभी बहुत लोगों के मकान और दुकानें आ रही हैं, जिसके लिए उनसे बातचीत चल रही है ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो और यात्रियों को सुविधाएं मिल सके। डीआरएम ने कहा कि रिमॉडलिंग फेज 1 में 3 ही प्लेटफॉर्म रहेंगे। यात्रियों के लिए केवल 1 रेलवे स्टेशन का इजाफा होगा। दूसरे चरण के लिए विचार चल रहा है, उसके लिए कोई भी स्कीम अभी फाइनल नहीं हुई है। देखिए, कार्य काफ़ी अच्छी गति से चल रहा है, जैसा कि आपको आप लोग खुद भी देख रहे हैं। और मेरे हिसाब से दिसंबर का हम लोगों ने टारगेट रखा हुआ है, ठीक है ना, इसको ओपन करने का। बाकी मुझे लगता है कि हम लोग समय पे इस कार्य को पूरा कर लेंगे। सर, रेलवे स्टेशन का जो चेंज लाने में उसमें कुछ फैसिलिटीज बढ़ाई गई हैं, जैसे नहीं नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा लीजिए, हाँ बता दें कि मैं कुछ सर इसमें पहले एक्चुअली कुछ शेल रूफ का प्रोविजन था सर, बट शेल रूफ में वर्टिकल एक्सपेंशन की गुंजाइश खत्म हो गई थी सर। तो वर्टिकल एक्सपेंशन एक तो बना रहे, दूसरा शेल रूफ हटाने से जो फ्लैट रूफ की गई सर, उससे सीटिंग कैपेसिटी और जो रिलेटेड पैसेंजर अमेनिटीज है वो काफ़ी बढ़ गई सर। लेकिन सर, जो फर्स्ट फेज का जो कार्य था उसमें 5 प्लेटफार्म बनाने जाने थे, तो क्या कारण अभी तक वो तो नहीं दिखाई दे रहा? कहीं ना कहीं अगर फर्स्ट फेज का कार्य अगर दिसंबर तक पूरा हो रहा है तो 5 प्लेटफार्म तो रिमॉडलिंग के फर्स्ट फेज में 3 ही प्लेटफार्म है जो स्कीम फाइनल हुई है, और जो फेज 2 का होगा उस पर भी विचार चल रहा है, अभी उसमें डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है फेज 2 का। फेज 2 में थोड़ा सा रिवीजन एक्चुअली यूँ है कि जो मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ हैं वो सारी अब फैजाबाद में शिफ्ट कर दी गई हैं, तो इस कारण से जो यहाँ मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ पहले प्लांट थी, जो वॉशिंग लाइन और जो चीज़ें प्लांट थी, वो अब चूँकि फैजाबाद में शिफ्ट हो गई हैं, उसके कारण से पूरा फेज 2 का रिवीजन चल रहा है। अभी क्या फैसिलिटीज़ फाइनली रिक्वायर्ड होंगी यहाँ पर वो अभी वर्कआउट करेंगे। मैं बताया ना, क्योंकि मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ सारी फैजाबाद में हो गई हैं शिफ्ट, तो उसके कारण जो हमने पहले ओरिजिनली सोचा था कि फेज 2 में हम उधर प्लेटफॉर्म ले जाएंगे और वॉशिंग लाइन बनाएंगे, उसमें अब रिवीजन है, तो वो रिवीजन फाइनल हो जाएगा जब, तब आपको इस बारे में बता पाएंगे।